सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 15.1 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स. ओके, अब यहाँ देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया, आपको क्वाड्रेंट समझाया है, ठीक है. अब यहाँ पे आपको लोकेट करना सीखना है कि कैसे आप पॉइंट को लोकेट करते हो, ठीक है. अब देखो ये क्या है, -2 2, यहाँ पे एब्सिसा क्या है, -2 है, और ऑर्डिनेट क्या है, 2 है, ठीक. अब ध्यान से देखना, यानी x की वैल्यू, x एक्सिस में क्या कौन सा पॉइंट है, -2 है. तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, -2 x पर, ध्यान देना, x पर -2 देखना है. तो कहाँ है ये -2, ठीक है, -2 आपने देखा x पे, और y पे क्या है, 2 है, यानी ये वाला पॉइंट देखो, ये है, ठीक है. तो मैंने देखो ये जो है, ये जो दोनों पॉइंट थे, इसको मैंने ये किया, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके ये वाला पॉइंट है कौन सा, -2 2, ठीक, x का -2 और y का 2, ठीक है. डॉटेड लाइन ड्रॉ करके मैंने उस पॉइंट को लिया जहां पे ये क्या हो रहे थे, मिल रहे थे, ठीक है. और उस पॉइंट का उसको मैंने क्या किया, -2 एंड 2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है. अब देखना ध्यान से, ये तो हो गई लोकेट करने की बात. अब जैसे मैंने ले लिया कोई सा भी पॉइंट, ले लो 3 2 3 2 ले लिया, ठीक है, यानी एब्सिसा की वैल्यू 3, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, 3. देखो 3 कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस पे 3, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है, 2, ये है 2, ठीक है. तो ये डॉटेड लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ये जो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3 2. समझ में आया लोकेट करना कैसे है, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है आपका कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है. अगर ध्यान से सुनना, जैसे यहां था -2 2, क्या ये एक्स एक्सिस पे है, नहीं है. क्या ये वाई एक्सिस पे है, नहीं है. मतलब ध्यान से सुनना, अगर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई जीरो होना चाहिए, ठीक है. और अगर नहीं है जीरो, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है. समझ में आया क्या बोल रही हूँ, ठीक है. आप देखो, आप सुनना ध्यान से. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 एंड 0. यहाँ पे जो है एक जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है, यानी जो आपको दिया हुआ है, यानी ये क्या है, ये है आपका ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, 0, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या दी हुई है, 0. तो ये जो पॉइंट है, ये जो आपका कोऑर्डिनेट गिवन है, ये किस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है. कैसे, ध्यान से देखो, एक्स में कितनी वैल्यू लेनी है, 3 लेनी है, ये है 3 आपका, ठीक है. और वाई में कितनी वैल्यू लेनी है, 0 0, ठीक. तो ये जो लाइन है, आप ध्यान से देखो, ये किस पे 3 एंड 0 लाई कर रहे हैं, आपके एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं ना, ठीक है. और अगर आपको ऐसा भी नहीं आ रहा समझ में, तो आप लर्न कर लो कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें वाई की वैल्यू, यानी आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है. समझ गए इतनी बार. और अगर मान लो x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है. जैसे 3 एंड 0 हो गया, ठीक है. अब देखो -3 0 हो गया, ठीक, देख के आप बता दोगे. और कौन सा हो गया, -8 0, -8 0. इन सब में क्या है, इन सब में जो y की वैल्यू है 0 है, यानी ये सब किस में लाई कर रहे हैं, ये सब लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे, ठीक. अब देखो जो सेकेंड है, मैंने क्या बोला, जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी कि कौन कौन से पॉइंट, 0 5, ठीक है, और 0 -5, 0 -8, ये किस पे लाई कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे. और जो बाकी रिमेनिंग है, जो जैसे 3 -7 हो गया, -2 2 हो गया, ये ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ही वाई एक्सिस पे. अभी मैंने लोकेट करके आपको बताया था -2 2, ठीक है. समझ में आ गया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर. अब देखो ये तो बहुत ईजी हो गया, अभी आपने लोकेट किया था -2 2 को, तो सेम एज इट इज इसमें करना है. क्या लोकेट करना है, 2 एंड 3, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी आपका एब्सिसा कितना है, 2 है, और ऑर्डिनेट कितना है, 3 है, ठीक. तो क्या करोगे आप, 2 3, ये गिवन है आपको पॉइंट. तो एब्सिसा 2, यानी एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, 2 लेना है, और वाई एक्सिस पे 3,
ये है आपका x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। अब इसको आगे आपने डॉटेड लाइन से बढ़ाना है, ठीक है, दोनों ही पॉइंट को जहां पे ये मीट कर रहे हैं, यही क्या है आपका 2 3। ठीक, अब देखो सेकंड क्या है, -2 -3, ये है -2 -3, यानी आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -2 है, यानी x एक्सिस पे कितना लेना है, -2, और y एक्सिस पे कितना लेना है, -3। एब्सिसा है -2, ऑर्डिनेट है -3, ठीक है, तो ये है आपका -2 और यहाँ भी कितना लेना है, -3। अब आपने इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया और जहां भी ये मीट कर रहे हैं वो क्या है, -2 -3। ठीक, अब देखो थर्ड क्या है आपका, 2 -3। ठीक, 2 -3, देखो ध्यान से, एब्सिसा कितना है, 2 है, यानी एक्स एक्सिस पे कितना लेना है, 2, ये है आपका 2, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना लेना है, -3, यानी ये है आपका -3, यानी इसको आपने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, 2 -3। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो -3 2, अब ये आप कर लेना, ठीक है, एब्सिसा कितना, -3, यानी एक्स एक्सिस पे -3 लेना है और वाई एक्सिस पे लेना है 2। ठीक, कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क्ड इन अ ग्राफ पेपर। अब यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क किया हुआ दिया हुआ है, ठीक है, यानी उल्टा दिया है, मतलब आपको पॉइंट मार्क किया हुआ दिया है, यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने, यानी ये बताना है आपको एक्स एक्सिस, यानी एब्सिसा, और ऑर्डिनेट बताने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई की वैल्यू को इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये आपको बुक से ही करना पड़ेगा। ठीक, देखो ये है आपका क्या, ग्राफ। ठीक, अगर आपको दिख रहा हो तो ओ पॉइंट जो है, मैं केवल एक ही बता रही हूं, ठीक है, ओ पॉइंट को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ओ कहाँ पे लाया कर रहा है, देखो एक्स की वैल्यू सबसे पहले देखो, एक्स कितना है ओ पे, 7 है, राइट, और आपका जो वाई है वो कितना है, 6 है, तो ओ की वैल्यू क्या हो गई, 7 6, ठीक है, कितनी हो गई, 7 6। ठीक, अब देखो ए की वैल्यू, देखो ए पे अगर आपने एक्स की वैल्यू देखी तो कितनी है, 3 है, ठीक है, और y पे कितनी है, 1 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 3 n 1। ठीक है, देखो ऐसा है, a का मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, इजी होगा, a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 n 1, देखो ये है, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे, और इसको ऐसे मार्क किया हुआ है a, ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स सबसे पहले लिखते हैं ना, यानी एब्सिसा सबसे पहले लिखते हैं, तो ये क्या है, 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, जैसे ये आपने डॉटेड लाइन बढ़ाई आगे, तो कितनी है, 1, तो ये हो गया 3 n 1। समझ में आया, ठीक है, इससे इजी कुछ है ही नहीं। जैसे ई है, तो ई में एब्सिसा की वैल्यू कितनी है आपकी, -4, और आपका ऑर्डिनेट कितना है, 3, यानी ये पॉइंट कौन सा है, ई, -4 3, ठीक है। अब देखो डी किस पे लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, यानी सिंपल सी बात है, इसमें वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यानी डी की वैल्यू क्या है, -3 0, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी है आपका 6 0, ठीक, वाई 0 होगा ना एक्स एक्सिस पे, जैसे जी है, जी में क्या होगा, एक्स 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -5, जी की वैल्यू मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। ठीक, सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 6, ठीक है, ये कर लोगे। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाइज। अब इसमें क्या करना है, फिर से क्या बताना है आपको, क्वाड्रेंट बताना है, जैसे 2 3 किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज है तो फर्स्ट में, ठीक है, -3 4, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, किस में आएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में, -3 -10, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, 5 -7, मतलब किस में, एक्स की वैल्यू प्लस में है और वाई की वैल्यू माइनस में, ये किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, -2 1, यानी एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, ये किसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और सिक्स्थ में क्या है आपका, 4 -8, यानी एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, तो ये किसमें आएगा, फोर्थ में, ठीक है, ये कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसमें फिर से बताना है क्या कि कौन कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेंगे तो क्या होगा, वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो बी कर रहा है, ठीक, ई कर रहा है और आपका जी कर रहा है, ठीक है। बी ई एंड जी पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज योर आंसर, ठीक है। और कैसे होगा ये आप लोकेट करके देखना, ठीक, लोकेट करते बन जाएगा आपसे। जितने ज्यादा पॉइंट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ही अच्छे से बनेगा ये, ठीक। अब देखो, और हाँ ध्यान रखना, इसको ग्राफ पेपर पे ही करना है। अब देखो, प्लॉट द पॉइंट ए 30, बी 33, सी 03 एंड जॉइन ओ ए, ए बी, बी सी एंड सी ओ, व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, ठीक है। अब यहां मैं कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन इस ये बहुत अच्छे से आएगा आपका ग्राफ पेपर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत डिस्टेंस इधर उधर है, ठीक है। ठीक, अब देखो आपका क्या है, ए क्या है 30, यानी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये किस में आएगा, ए एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 30 कहाँ है, ये है 30 ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, 30। अब देखो सेकेंड क्या है आपका, बी 33, यानी कि एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट भी 3, यानी एक्स एक्सिस पे 3 लेना है और वाई एक्सिस पे भी 3 लेना है, यानी कौन सा पॉइंट, ये वाला 3 3, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका बी, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, सी 03। अब देखो 03 यानी एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये किस पे लाया करेगा, वाई पे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया पॉइंट, सी, ठीक है, लाया किस पे कर रहा है, वाई पे, और एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, 03 था तो वाई पे क्या आएगा, 3 आएगा ना, ठीक है। अब देखो और क्या है, जॉइन ओ ए, ए बी, बी सी एंड सी ओ। अब देखो ओ क्या है, ओ सेंटर है और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, याद रखना इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, ठीक, 0 0, यानी एब्सिसा इसमें 0 होता है और वाई भी, यानी कि वाई की वैल्यू, यानी कि आपका ऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0, यानी कोऑर्डिनेट क्या होते हो के 0 0, ठीक है। अब देखो इसको आपने क्या किया, ज्वाइन किया ये पूरा, यानी ये और ये तो ज्वाइन है, क्या मिल रहा है आपको, स्क्वायर का शेप मिल रहा है, तो आप लिख देना, ठीक है, समझ गए, वी ऑब्टेन स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो प्लॉट द पॉइंट ए 4 4, बी माइनस 4 4 एंड ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड बी ए, व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन। अब ये आप कर लोगे, ठीक है, ए क्या है आपका 4 4 है, यानी कहाँ आएगा आपका, ये है, देखो ए है आपका 4 4, ये, ठीक है, ये 4, ये 4, ठीक, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ए, ये पॉइंट है आपका ए, ठीक। और आपका बी कितना है, माइनस 4 4, ठीक है, यानी एब्सिसा की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 और यहाँ ऑर्डिनेट की वैल्यू 4, ये सीधा है एकदम, ठीक है, स्ट्रेट है ये पूरा ऐसा, ये कौन सा है, माइनस 4 4, ये कौन सा है आपका, बी, राइट, यस, बी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब आपसे कहा गया है ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड बी ए, ओ ए को ज्वाइन करना है, यानी ओ ए को, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ओ बी को ज्वाइन करना है ये, ठीक है, और ए बी को ज्वाइन करना है, बी ए को, ठीक है, बी ए या फिर ए बी, यानी ये ज्वाइन कर दिया, बताओ कौन सा मिला आपको फिगर, ट्रायंगल, ठीक है, राइट कर लोगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 3 वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर E28, 5, F55, G-1, -1, प्लॉट द पॉइंट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिसिंग वर्टेक्स X, H,
ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, ये है रेक्टेंगल, यहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगा वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनेगा, और जब आप उसको प्लॉट करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एच पॉइंट कौन सा है। देखो जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो ये ऐसा आता है ना, ठीक है, तो सपोज ये, अब चलो बता ही देते हैं, ठीक है, जैसे ई लिखा है 28, तो 28 टू लेना है और 8 लेना है, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 28, ये है ई, ठीक। सेकेंड क्या है आपका F55, F है आपका 5 and 5, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट, देखो फाइव फाइव को लोकेट कर सकते हैं, ये है आपका 5 5, ठीक, ये क्या है F है, ठीक है। फिर क्या है आपका G, -1 -1, यानी यहां भी -1 और यहां भी -1, ये, ठीक है, ये क्या है G है। अब आपको H लेना है, ठीक, यानी E F G H आपका रेक्टेंगल बनेगा, राइट, तो E F G और H, H आएगा ऐसे, ठीक है, और यहां कहीं है वो पॉइंट आएगा, और ऐसे आपने क्या करना है, इसको अटैच कर देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक, और अगर आपसे ना बने तो बता देना, मैं बता दूंगी आपको ग्राफ कॉपी में, जैसे भी होगा, ठीक, वो यहाँ कहीं पे आएगा आपका एच पॉइंट, यानी ये एकदम क्या है, स्ट्रेट है ना, ठीक, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ग्राफ कॉपी में बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक, समझ गए, तो ये आप कर लोगे। एंड देन आपका आया कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लॉट द पॉइंट 1 -1 एंड 3 3, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, प्लॉट अनदर पॉइंट -3 6, डस इट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब देखो आपको 1 -1 और 3 3 को प्लॉट करना है सबसे पहले ग्राफ पे, ठीक है, और फिर ये बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टू पॉइंट से, यानी 1 -1 और 3 3 से पास हो रही है, ठीक है। एक और पॉइंट आपको प्लॉट करना है -3 and 6, और फिर आपको ये बताना है कि क्या -3 and 6 इस लाइन पे, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन आई है इस पे लाए है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, थीके? अगर आएंगे तो आप लिखोगे यस, और नहीं आएंगे तो आप लिखोगे नो, ठीक है। अब चलो 1 -1 प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्या है 1 -1, ये है आपका, ठीक है, मतलब एब्सिसा कितना है 1, और आपका ऑर्डिनेट कितना है -1, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट देखो 1 -1, यानी एक्स पे कितना लेना है 1 और वाई पे लेना है -1, यानी ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट कौन सा है आपका 3 3 3 3, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, 3 3, ये कौन सा पॉइंट है 3 3, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, इसको आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहां से ऐसी, ठीक है, ये ऐसी जाएगी, ठीक है, जहां से भी जाएगी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ग्राफ कॉपी में ज्यादा अच्छे से होगा ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब -3 and 6 आपको एक अनादर पॉइंट ड्रॉ करना है इसमें, -3 and 6 देखो कहाँ है, एब्सिसा है -3 और आपका है ऑर्डिनेट 6, ये है 6 ऑर्डिनेट और ये है -3 -3 6। अब एक बात बताओ, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या ये पॉइंट लाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो क्या लिखोगे आप, नो, -3 6 इज नॉट लाई ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, ये है आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया, आपको मैंने बता दिया, और डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको पहले ड्रॉ करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, प्लॉट 2 2 3 3 0 0 -1 1 एंड फाइंड इफ दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले प्लॉट करो 2 2 को, ठीक है, क्या करना है 2 and 2 को आपको प्लॉट करना है, करो ग्राफ पे, देखो 2 and 2, ये है आपका 2 and 2, ठीक है, ठीक,
लिखा हुआ है आपका 3 3। अब 3 3 देखो, ये है पॉजिटिव वैल्यू, ये है आपका 3 3। ठीक, फिर देखो क्या है आपका 0 0। मैंने बताया था ये सेंटर, और सेंटर का क्या होता है कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और देन -1 -1, ये है आपका -1 -1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको ऐसे मिलाते हुए आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ये 4 पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यस आंसर क्या आएगा इसका, यस ऑल आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने ड्रॉ करके बता दिया, ड्रॉ करना है आपको, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पेपर में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। ए इज द पॉइंट -3 7, ए एम एंड ए एन आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू एक्स एंड वाई एक्सिस मीटिंग देम एट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। अब देखो इसमें ये है, ए एक पॉइंट है -3 7। ठीक, और यहाँ पे ए एम और ए एन जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, और एम और एन पॉइंट होगा वहां पे। ठीक है, और फिर आपको किसके कोऑर्डिनेट बताने, एम के और एन के बताने। अब देखो ए को मैंने प्लॉट किया कितना, -3 7। ठीक है, अब यहाँ पे -3 7 तो आपने प्लॉट कर लिया। अब वो बोल रहे हैं ए एम और ए एन जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो देखो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, और ये क्या है, एम है, क्योंकि एम ए एम किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे, और ए एन किस पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर इन द सेंस यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। ठीक, अब आपको बताना है एम और एन के पॉइंट। अब बताओ एम और एन कितना है, ध्यान से देखो एम की वैल्यू कहाँ आ रही है, एम इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, राइट, तो एम का क्या होगा, वाई जीरो होगा ना, और यहाँ क्या है, -3 है, यानी -3 0, ये एम के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, और एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, यानी इसमें एक्स 0 होगा, तो 0 7। ठीक, समझ गए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, एंड देन 15.2 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।